मिल कुछ मिल कुछ शुरू काम मेरे कॉल ये नहीं वो कोला कर कर दो सर ये बताएं कि अभी स्थिति क्या है। देखिए इस समय तक स्थिति जो है वो पूरी तरह कंट्रोल में है। पुलिस फोर्स हरियाणा पुलिस और सेंट्रल की आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वो यहाँ पहुँच चुकी हैं, उन्होंने पोजीशन ली हुई है और जो कोर्ट के आसपास का एरिया है वो बिल्कुल ही उन्होंने आउट ऑफ बाउंड कर रखा है। उसके आसपास हम किसी को ना आज जाने दे रहे हैं ना कल जाने दे रहे हैं। ये हमारी है कल की जो पेशी है वो पीसफुल तरीके से बिल्कुल अमन चैन से की जाएगी, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और इसके जो आज रात को भी भारत सरकार की जो फोर्सेज हैं वो आज रात को पहुंच रही हैं, सुबह तक जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुँच जाएगी। इसके अलावा आर्मी को भी स्टैंड बाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने चिट्ठी लिख दी है और अगर जरूरत होगी तो आर्मी को जरूर बुलाया जाएगा। कॉलम बुलाए गए ऐसा है कि 20 कॉलम के लिए लिखा है, जितने दिए जा सकेंगे वो आर्मी जरूर दें। सर क्या रात में खाली करवाएंगे इनको? आज रात को आदरणीय जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है पंजाब उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि इनको बताया जाए कि ये इनको यहाँ से जाना है और उनके वकील को इसके बारे में कहा है कि वो इनको कहें कि यहाँ से जाएं। तो हम बसें अरेंज कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि रात को इनको यहाँ से भेजा जाए। उसके लिए समय लगेगा, रात को पूरी रात उसकी कोशिश। कितनी बसें अरेंज की जाएगी? एक एक करके कोई बात नहीं। हाँ जी मैं पूछा सर क्या पंचकुला में भी आप कर्फ्यू लगाने के बारे में? पंचकुला में अभी कर्फ्यू लगाने की कोई बात नहीं। सिरसा में लगा दिया है सर? सिरसा में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू लगाया। दूसरा ये बताएं कि जो ये हैं डेरा प्रेमी हैं, कोई कन्फ्रंटेशन अगर होता है तो पुलिस कैसे निपटेगी सारे मामले? ऐसा है कि पुलिस फोर्स पूरी है, जैसे मैंने कहा पुलिस फोर्स रात को भी आई है, किसी भी स्थिति को निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी स्थिति से निपटा जाए और हमारी पूरी तैयारी। सर आईबी ने रिपोर्ट्स दिया था कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन विद देम, पेट्रोल बम्स एटसेट्रा, हैज एनीथिंग कम टू योर नोटिस? जो ये लोग आए हैं यहाँ पे मोस्टली इनको चेक करके अंदर आने दे रहे हैं और ये आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत खुला एरिया है, उधर से घर की तरफ से सारा एरिया खुला है। इस समय किसी भी आदमी के पास कोई डंडा कोई लाठी कोई हथियार है नहीं है आज तक और हम आज रात को भी एक बारी टेस्टिंग वगैरह चेकिंग वगैरह जब सो रहे होंगे तो हमारे आदमी घूम फिर के करेंगे, इसलिए आप चिंतित ना हो। ऐसी अभी तक हमारे पास जहाँ जिनके पास कुछ थे छतरियाँ हमने इंफॉर्म की हैं, लाठियाँ हमने इंफॉर्म की हैं और भी कई चीज़ें जिसको हम नहीं बताना चाहते हैं, बसें भी हमने इंफॉर्म की हैं जिन्होंने आए हैं, गाड़ियाँ भी इन्होंने इंफॉर्म की हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है और हम पूरी तैयारी के साथ और आज रात की सारी रात हमारी पुलिस फोर्स जो है सुबह तक और कल 2:30 बजे तक वो सारे के सारे लोग ड्यूटी पे रहेंगे। इसके लिए 10 आईपीएस ऑफिसर एसपी रैंक के आईजी रैंक के अधिकारी भी हैं, 2 एडीजी भी हैं और मिस्टर के शर्मा मेरे साथ बैठे हैं डीजी हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। वी आर कीपिंग ए वेरी क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ऑल सिचुएशन हैपनिंग नॉट ओनली इन ऐसा है कि वो उन्होंने आना है, अगर वो बाई एयर आते हैं और बाई रोड आते हैं दोनों स्थितियों में हमारी पूरी तैयारी। सर कितनी बसें अरेंज की गई हैं इनको? कोर्ट में आपकी तरफ से क्या ये कहा गया कि तादाद बहुत ज़्यादा होगी इसलिए कंट्रोल करना मुश्किल नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, तादाद ज़्यादा है और हम अब इस स्थिति में हैं कि हम उनको कंट्रोल कर सकते। सर अब आप लोग कह रहे हैं कि इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन होगी इन लोगों की या देश बुढ़ी क्योंकि देखिए ऐसे हालात में बच्चे हैं छोटे औरतें हैं बुजुर्ग आदमी भी हैं, तो तरीके से देख के और उसको जो जैसी स्थिति होगी हम पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस फोर्स एंड पुलिस ऑफिसर जेल्स कितनी है बनाई हुई है? पंचकूला और सिरसा के लिए ही 2 जगह ज्यादा दिक्कत है, वहीं के बाकी सौ सर इन लोगों को टेम्परेरी जेल्स में शिफ्ट किया जाएगा या पंचकूला से बाहर? The nearest place is to Bala Bevan.
पुलिस के लिए समय कोई भी चीज डिफिकल्टी है बट हम तैयार थैंक यू सर ओके थैंक यू